मैं माननीय राज्यपाल महोदय से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया रुद्राक्ष की माला और पुस्तक प्रदान करें माननीय प्रधानमंत्री जी को। और आप सबकी तरफ से तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत जरूर हूं। रुद्राक्ष की माला और ये पुस्तक प्रदान कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय, धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया अंगवस्त्र पहनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा वैद्यनाथ मंदिर का प्रारूप मॉडल भी प्रदान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां अभिनंदन स्वरूप। बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से निवेदन करती हूँ, कृपया अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय नागरिक विमानन मंत्री महोदय अंगवस्त्र के साथ स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद। और अब मैं माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी से निवेदन करती हूँ, श्री बाबा बैद्यनाथ मंदिर का महात्म ये पवित्र पुस्तक प्रदान करें माननीय प्रधानमंत्री जी को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। झारखंड राज्य का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा धाम अपनी नैसर्गिक सुंदरता, ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान तो रखता ही है, अब देवघर तैयार है विकास की एक नई तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए। ऐसे में आपके स्वागत हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी को स्वागत संबोधन हेतु। भारत माता की। हम सबों के अभिभावक, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके मन में हमेशा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, बच्चों के लिए मैंने दर्द देखा है एक सांसद होने के नाते, एक उनके कार्यकर्ता होने के नाते, वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी इस देवघर में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर बाबा बैद्यनाथ का पूजा, 75 साल में कोई प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के तौर पर पूजा करने के लिए नहीं आया। वैसे हम सबों के नेता, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मंचासीन सभी शीर्षस्थ मंच और आए हुए तमाम बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री जी गुजरात से देवघर का एक अलग कनेक्शन है। 1925 में महात्मा गांधी जी यहां आए थे और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वो अपना आजादी का आंदोलन देवघर से ही चलाना चाहते थे। बाद में वो सेवाग्राम गए, लेकिन जब 1934 में वो दोबारा आए तो इसी बैद्यनाथ मंदिर में उस वक्त अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का प्रवेश नहीं था, अछूत के नाम पर जो है उनका प्रवेश नहीं होता था। और महात्मा गांधी जी को इसके लिए लाठी डंडा सब कुछ यहां खाना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस मंदिर में अछूत का प्रवेश कराया। आज आप आए हैं इसी झारखंड के, जो प्रवेश, जो कड़ी महात्मा गांधी जी ने 1934 में छोड़ी थी उसको आज आपने पूरा किया है। इस देश के अनुसूचित जनजाति की आवाज द्रौपदी मुर्मू जी को आपने, जो कि झारखंड की हैं, क्योंकि 1936 तक उड़ीसा और झारखंड और बिहार बिहार ही था, बिहार का अंग था, उनके बाप दादा सभी इसी झारखंड के हैं, उनको आपने राष्ट्रपति बनाया है। मैं उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने महात्मा गांधी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय द्रौपदी मुर्मू को बनाकर आज इस भूमि में प्रवेश किया है। एक सांसद होने के नाते आपने जो मुझे दिया इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इस गोड्डा लोकसभा में 1,00,000 करोड़ की योजना चल रही है, चाहे वो अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट हो, चाहे वो प्राइवेट प्लांट हो 1600 मेगावाट का जो कि अगले महीने चालू होने वाला हो, चाहे एम्स हो, चाहे एयरपोर्ट हो,
चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डैम हो, आप नाम लीजिए, केंद्रीय विद्यालय हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो, प्लास्टिक पार्क हो, मैं यदि गिनाता चलूं तो मुझे शायद जो है 15-20 मिनट जो है उसी योजनाओं को लगेगा। आपने 1,00,000 करोड़ से ऊपर की योजना, ये 2014 जो गोड्डा जो मेरी लोकसभा है, आज़ादी के 75 साल बाद पिछले साल आपके जन्मदिन के ऊपर 17 सितंबर को मैंने जो है वो रेल गोड्डा के लोगों ने देखा, वो रेल देखने के लिए कम से कम लाखों की भीड़ उस गोड्डा स्टेशन में थी। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलाका कितना पिछड़ा था और आपने कितना कुछ किया। इसके अलावा मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए कोई शब्द नहीं है, एक व्यक्ति के नाते मैं आपको नमस्कार ही कर सकता हूँ, आप महामानव हैं। और आपने जो इस पिछड़े इलाके को दिया वो शायद भूतों ने भविष्य की कोई प्रधानमंत्री नहीं दे सकता। आप आए इन्हीं शब्दों के साथ, जय हिंद जय भारत। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। और यकीनन आज जब देश के विमानन मानचित्र पर देवघर भी शामिल हो रहा है, हमारे बीच उपस्थिति है माननीय केंद्रीय उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी की। बेहद ऊर्जावान माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं आपके संबोधन के लिए। मंच पर आसीन हमारे परम आदरणीय यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन झारखंड के राज्यपाल आदरणीय रमेश बैस जी, झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन साहब, केंद्र में कैबिनेट मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा साहब, केंद्र में मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी, क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे साहब, प्रदेश में हमारे मंत्रीगण बादल पत्रलेख जी, हफीजुल हसन साहब, क्षेत्र के हमारे विधायक आदरणीय नारायण दास जी, और इस सभागृह में उपस्थित समस्त महानुभव भाई और बहनों, संथल परिगना के प्रवेश द्वार देवघर में आप सबको हमारा प्रणाम। ऐसे ही देवघर को कामना धाम नहीं कहा जाता, क्योंकि बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर और शक्तिपीठ के दर्शन के साथ साथ आज जो इस क्षेत्र के लाखों लोगों ने सपना देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व में आज वो सपना इस देवघर के हवाई अड्डे के रूप में और 16,000 करोड़ के विकास के कार्यों के आधार पर आज साकार होने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, हमारे भारत के संस्कृति में लिखी गई है अतिथि देवो भव, और उस भारत के देवघर में, मतलब यानी देवी देवताओं के घर में पधारने वाले हमारे भक्तों के लिए सगमता से अपने इष्ट देवता का दर्शन हो पाए, ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। और वो उपलब्धि भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस समय में दिया जा रहा है जब विश्व प्रसिद्ध श्रवणी मेले की शुरुआत अगले 2-3 दिनों में होने जा रही है, जिसके आधार पर लाखों श्रद्धालु इस हवाई अड्डे के आधार पर भी उस मेले में अपना उपस्थिति दर्ज कर पाए। यह केवल एक मामूली बुनियादी ढांचा नहीं, इस एयरपोर्ट के साथ प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी समकालिक सोच विचारधारा जुड़ी हुई है। और पुराना जमाना होता था
जहां केवल आर्थिक महत्वपूर्ण शहरों के में हवाई अड्डा स्थापित होता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस परिभाषा को बदल दी। आज जहां हवाई अड्डा स्थापित होता है वहीं से आर्थिक पहिए घूमने शुरू हो जाते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने अपनी इस परिभाषा को एक कदम आगे बढ़ाकर केवल आर्थिक सोच विचारधारा के साथ नहीं लेकिन उसके अतिरिक्त धार्मिक और आस्था के स्थलों के साथ भी अधोसंरचना और आर्थिक प्रगति को जोड़ने का एक प्रयास किया है। और पिछले एक डेढ़ सालों में चाहे कुशीनगर में जो बौद्ध सर्किट का केंद्र हो वहां एक एयरपोर्ट जो स्थापित किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है और अब देवघर का एयरपोर्ट बनने जा रहा है। भाई और बहनों, ये वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनकी एक धर्म संस्कृति के साथ एक जुड़े हुए एक जनसेवक की सोच और विचारधारा हो सके, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और विचारधारा है भारत के प्रति। सोच और विचारधारा है अध्यात्म को प्रगति के साथ जोड़ने का, सोच और विचारधारा है धर्म को प्रगति के साथ जोड़ने का, सोच और विचारधारा है संस्कृति को प्रगति के साथ जोड़ने का, और अध्यात्म धर्म और संस्कृति के संगम के साथ साथ क्षमता की एक महाशक्ति के रूप में भारत को परिवर्तित करने का एक संकल्प हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। मेरे भाई और बहनों, भारत के विगत गौरव को भारत के वर्तमान के गौरव को बनाना और आस्था के गौरव में परिवर्तित करना ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। अगर देवघर की हम बात करें तो हर दिशा में धर्म और आस्था से परिपूर्ण है, और हमारा संकल्प है कि रांची के बाद झारखंड का ये दूसरा प्रवेश द्वार देवघर जरूर बनेगा। 401 करोड़ रुपए की ये योजना है, 654 एकड़ में ये एयरपोर्ट स्थापित है, और आसपास के कई जिलों, चाहे दुमका हो, पाकुड़ हो, गोड्डा हो, गिरदिए हो, धनबाद हो, हजीराबाद हो, करीब 2.5 करोड़ जनता के लिए एक नई सुगम आवागमन की व्यवस्था इस एयरपोर्ट से बनेगी। जो कैपेसिटी इस एयरपोर्ट की वर्तमान की है 5 लाख लोगों की, यात्रियों की कैपेसिटी है, और बोइंग 737 और एयरबस दोनों विमान इस रनवे पर लैंड कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री जी के आदेश के आधार पर पहली फ्लाइट, देवघर कलकत्ता को जोड़ने वाली फ्लाइट इंडिगो द्वारा संचालित हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आदेश है कि यह मात्र शुरुआत है। आने वाले दिनों में देवघर को रांची के साथ जोड़ा जाएगा, देवघर को पटना के साथ जोड़ा जाएगा, और प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप आने वाले दिनों में देवघर को देश की राजधानी दिल्ली के साथ भी जोड़ा जाएगा। आज इस दिवस पर हम ये संकल्प लेते हैं कि जो झारखंड में वर्तमान में 2 हवाई अड्डे हैं, आने वाले दिनों में इसे बढ़ाकर हम 5 हवाई अड्डे तक बढ़ाएंगे, जो बोकारो, दुमका और जमशेदपुर को भी हवाई मानचित्र में झारखंड में हम लोग सम्मिलित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े, और इसकी अतिरिक्त उनकी यह भी सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई अड्डे के पास जाने के बजाय हवाई अड्डा हवाई चप्पल पहनने वाले के पास जाए, ये उनका संकल्प और उनका उद्देश्य है। और इसलिए भारत में जितने उपकृत एयर स्ट्रिप हैं उन सबको हम लोग एक्टिवेट करने वाले हैं। पिछले 8 साल में झारखंड राज्य में अकेले, जिस राज्य में केवल 1500 यात्री प्रतिदिन आते थे, आज वो 5 गुना बढ़कर 7,500 यात्री प्रतिदिन झारखंड आते और जाते हैं। जिस झारखंड में केवल 20 एयरक्राफ्ट मूवमेंट होती थी, आज बढ़कर 56 एयरक्राफ्ट मूवमेंट हो चुकी हैं, और आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी के आदेश के आधार पर 14 नए रूट झारखंड के लिए प्रचलित होंगे। दुमका से रांची, दुमका से कोलकाता,
बोकारो से पटना, बोकारो से कलकत्ता और देवगढ़ से पटना, देवगढ़ से कोलकाता और देवगढ़ से रांची, ये 14 नए रूट्स आने वाले दिनों में प्रचलित होंगे। प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है भारत को भारत के साथ जोड़ने का, B2B भारत को भारत के साथ जोड़ने का, उस आधार पे जो शहर नागर उड्डयन मानचित्र से पूर्ण रूप से मिटाए गए थे, प्रधानमंत्री जी की विचारधारा के आधार पर, चाहे वो देवगढ़ हो, चाहे झरसुगुड़ा हो, चाहे रूपसी हो, चाहे दरभंगा हो, उन सभी शहरों को आज नागर विमानन क्षेत्र के साथ जोड़ा जा चुका है। तो आज इस मंच से जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जिस भारत में केवल 74 हवाई अड्डे होते थे, 70 साल में प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर पिछले 8 वर्षों में 67 नए हवाई अड्डे, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट बने हैं, 141 देश में बन चुके हैं। जिस देश में एक भी उड़ान योजना नहीं थी, उड़े देश का आम नागरिक, आज 400-423 उड़ान योजना है और आने वाले 4 सालों में इस पंक्ति को हम 1000 तक बढ़ाकर रखेंगे। ये संकल्प और विश्वास हम इस मंच से लेते हैं। अंत में मैं प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, झारखंड के सभी हमारे निवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बाबा भोले की नगरी और उसी के साथ साथ संपूर्ण झारखंड वासियों की सपने का उड़ान की शुरुआत आज से होगी, इन्हीं मनोकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय उड्डयन मंत्री महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ झारखंड का सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखने वाले आत्मविश्वास से लबरेज माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को आपके संबोधन के लिए। सबसे पहले तो आज इस सभागार के सभी लोगों को मेरी ओर से जोहार। आज एयरपोर्ट देवघर परिसर के इस प्रांगण में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यहां उपस्थित राज्य के हमारे राज्यपाल महोदय रमेश बैस जी, यहां उपस्थित केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसद महोदय और इस सभागार में मौजूद सभी गण्यमान्य अतिथिगण, प्रेस के मित्रों, आप सबका मेरी ओर से आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से आज सिर्फ देवघर ही नहीं बल्कि झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि जो हम सपने देखते हैं, और वो जब सपना साकार होता है, ये वो अपना आकार लेता है और हम उसको सपनों में नहीं हकीकत में अनुभव करते हैं, तो उसकी खुशी कुछ और होती है। और उस सपने को साकार करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए आज हम लोगों के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए हैं, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। आज देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है विधिवत रूप से और नागर विमानन मंत्री जी ने भी कई
कनेक्टिविटी के बारे में यहां से घोषणाएं की। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि वो कनेक्टिविटी जल्द शुरू होगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।